आज ईद उल फित्र है। यूं तो ये ईद दुनिया के गोशे गोशे में मनाई जाती है। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है। हंसो कि हंसने हंसाने को ईद आई है। सभी ईद के मुबारक मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ईद की मखसूस नमाज अदा करते हैं। मसरतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, मसरतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, तराने शुक्र के गाने को ईद आई है। नवाबों के शहर लखनऊ में भी ईद का अपना अलग अंदाज है। लखनऊ जो कि गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है और यहाँ सभी मस्जिद व इमामबाड़ों में नमाज ईद अदा की जाती है। लखनऊ के आसफी इमामबाड़े में भी तादाद के एतबार से सबसे बड़ी ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मुबारक मौके पर लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में मौलाना कल्ब जवाद नकवी साहब ने नमाज ईद के फराइज अंजाम दिए। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, महक उठी है फजा पैराहन की खुशबू से। ईद के इस मुबारक मौके पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर इज्जत मआब जनाब राम नाइक साहब व उनके साथ उप मुख्यमंत्री जनाब दिनेश शर्मा और कानून मंत्री जनाब ब्रजेश पाठक जी ने भी इमामबाड़ा पहुंचकर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। महक उठी है फजा पैराहन की खुशबू से, महक उठी है फजा पैराहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों के भुलाने को ईद आई है, शिकायतों के भुलाने को ईद आई है। किया था अहद की खुशियाँ जहाँ में बाटे, किया था अहद की खुशियाँ जहाँ में बाटेंगे, इसी तलब के निभाने को ईद आई है, इसी तलब के निभाने को ईद आई है। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है। मुबारक मौके पर हमारे लखनऊ के सारे मुसलमान भाइयों को, इमामबाड़े में आया हूँ तो यहाँ के सियाह हजरात को, अभी ईद गा गया था तो सुन्नी हजरात को, सबको हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिली मुबारकबाद।
खूब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिलकर चलें, देश मजबूत करें, यही मेरी शुभकामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए, तीन एक महीने तक लोगों ने भूख की गर्मी प्यास भूख और प्यास और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त की है, सिर्फ अल्लाह की इताअत के लिए। जो हलाल चीज़ें हैं उनसे भी इंसान ने परहेज़ किया है सिर्फ अल्लाह की इताअत के लिए। ये तरबियत का ज़माना होता है कि जब तुम अल्लाह के हुक्म में जो हलाल चीज़ें, जो जायज़ चीज़ें हैं वो छोड़ रहे हो, तो उसके बाद जो ज़माना आ रहा है उसमें हराम चीज़ें भी तुम छोड़ सको। तो एक ट्रेनिंग का ज़माना है, एक तरबियत का ज़माना है कि इंसान जब अल्लाह की इताअत का आदी हो जाता है तो आगे भी उसको इताअत करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। लिहाजा हमारा कहना यही है कि जितना अगर हमने इस पर इबादत की है रमज़ान में, तो अगले महीनों में हम इबादतें छोड़ना दें। इसमें इताअत की है तो अगले महीनों में भी अल्लाह की इताअत करते रहें, हाँ कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। यही मकसद है माह मुबारक का, ताकि इंसान आदी हो जाए और अगर कोई भूखा नज़र आए तो उसको भूख याद आ जाए अपनी, कि हाँ भाई रोज़े में कैसी भूख हुई थी, कैसी तकलीफ़ हुई थी। फितरे में यह है कि 3 किलो आमतौर से आटा या गेहूँ, लेकिन ये कि इस पर जो ज़्यादा खुद खाता हो वो उसके 3 को हिसाब दे दे। फर्ज़ किए कोई लोग चावल खाते हैं तो जिस लेवल का वो चावल खाता है, जिस कीमत का, उसकी होना चाहिए। हाँ हाँ नहीं है तो काफ़ी लोग जो है, हाँ पार्टी करते हैं, तो उनके बारे में हाँ नहीं नहीं वो आप जैसे आप पैगाम दिया मैंने कि उसमें जायज़ नहीं कि खाली अमीरों को बुलाए, बल्कि पहले गरीबों को बुलाए, बाद में अमीरों को बुलाए। ये मौके चला, आज ईद का त्यौहार है और पावन पवित्र त्यौहार है, ऐसे मौके पर हम पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों को हार्दिक मुबारकबाद देते हैं। मौलाना साहब से मिल करके उनको मुबारकबाद दिया है और मौलाना साहब चूँकि पूरे मुल्क की तरक्की के लिए लगे हुए हैं तो हम भी इनके दुआ लेने आए हैं और सबको मतलब मुबारकबाद दिया आ जाएगा। असल उत्तर प्रदेश में सरकार में जो हमारे महकमे का सवाल है, उसमें हमारे महकमे में जो अदालतों में लंबित मुकदमे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शीघ्र निर्णय इसमें लेकर के जो लंबित मुकदमों की संख्या उनको कम करने के लिए नई अदालतों के गठन करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में 1100 नई पारिवारिक अदालतें, 500 नए राजस्व अदालतें और सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालतें खोलने का निर्णय लिया गया है। 47 जनपदों में स्थायी लोक अदालतें खुल जाएंगी, उनका आदेश जारी कर दिया गया है और बाकी बचे जिलों में भी जल्दी स्थायी लोक अदालतें खोली जाएंगी। कुछ निर्दोष भी हैं जो बेचारे जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, ऐसा कोई प्रकरण आपके संज्ञान में हो तो मुझे बताइए, ज़रूर हम उसमें मदद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से तमाम पूरे अपने हिंदुस्तान के देशवासियों को, अपने हिंदुस्तान के बाशिंदों को आज की ईद उल फितर की सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर का मतलब ही ये है कि आपस में मोहब्बत की जाए, आपस में गले मिले जाए और ख़ास तौर से पूरे कहा जाए कि इस्लाम का मकसद ही यही है और ख़ास तौर से हमारे लखनऊ का ये मकसद हमेशा ये रहा कि इसमें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, हम इसके अंदर सबको बुलाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। ईद उल फितर का मकसद ही ये है कि दिलों को जोड़ा जाए, आपस में मोहब्बत की जाए, गिले शिकवे भुला दिए जाएं। जब गले मिल गए तो आपस में शीर व शकर हो गए तो अब कोई उसमें बात नहीं रह गई। यही पैगाम है ख़ास ईद उल फितर का, इस महीने का, रमज़ान का, कि हम गरीबों की भूख और प्यास को समझें, उनके दर्द को समझें, उनको समझें। और ख़ास तौर से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम तो नामी है कि किसी के हाथ से, किसी की ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचना पाए। हम आज यही पैगाम देते हैं अपने तमाम मुसलमानों को और तमाम अपने हिंदू भाइयों को, जितनी कौमें भी हिंदुस्तान की हैं, कि हमको हमें चाहिए ये है कि एक साथ मिलकर ये ना सोचें कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले ये सोचें कि हम इंसान हैं या नहीं हैं, हमें इंसानियत पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। हर मज़हब का पैगाम इंसानियत है, दोस्ती है, मोहब्बत है, उल्फत है। जब तक हम आपस में मेल मोहब्बत नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक कौन से मज़हब के, हमें किसी भी हिंदू मज़हब से कहीं भी ख़तरा नहीं है, ना अपने हमारे किसी भी मज़हब से हमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर जो भी मज़हब
अपनी पैरवी कर रहा है, अपने उसके ऊपर चल रहा है, तो जब वो चलेगा किसी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो खुद ब खुद इंसान बन जाएगा। जब इंसान बन जाएगा, जो धर्म का मानने वाला है कभी अन्याय नहीं करेगा, कभी वो ज़्यादति नहीं करेगा। यही पैगाम है ईद का कि हम अन्याय ना करें, एक दूसरे साथ मेल मोहब्बत से अपने हिंदुस्तान की तरक्की करें, और तरक्की को देख कर पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ये दुआ करें कि जितने भी हमारे यहाँ के रहने वाले हैं सब हमेशा खुश रहें, खुर्रम रहें, एक साथ मिलकर रहें। एक जैसे गुलदस्ते में फूल होते हैं, फूल अलग अलग होते हैं, गुलदस्ता वही है कि जिसके फूल देखने में तो अलग हैं, गुलदस्ता जब ही बनता है कि जब मुख्तलिफ फूल इकट्ठा होकर गुलदस्ता बन जाते हैं। देखिए, जब मुसलमान रोज़े रखते हैं तो एक अहद करते हैं कि रमज़ान के इस महीने में हम बुराइयों से दूर हो जाएंगे और एक बेहतर मनुष्य और बेहतर इंसान बनेंगे। और जब वो 30 दिनों में अपना अहद व पैमान पूरा कर लेते हैं तो ईद के दिन वो उसकी खुशी मनाते हैं कि जो अहद हमने किया था वो अहद हमने, वो एग्रीमेंट हमने पूरा कर दिया है। तो आज मुसलमान बिल्कुल, लेकिन ये एग्रीमेंट कंटिन्यू साल भर रहना चाहिए, बिल्कुल साल भर रहना चाहिए। ये तो एक लॉन्चिंग पैड है, जिस तरीके से जहाज़ चलता है और फिर वो उड़ जाता है, बस उड़ते ही रहना चाहिए, फिर उसे रुकना नहीं चाहिए। आवाम को पैगाम यही है कि ईद की उनको पूरी मुबारकबाद, और यहाँ पर बड़े इमाम बाड़े में नमाज ख़त्म हो चुकी है, और नमाज के बाद यहाँ पर गवर्नर साहब यूपी के तशरीफ़ लाए, डिप्टी सीएम साहब जो कि दिनेश शर्मा जी वो तशरीफ़ लाए, और अभी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आए थे, और लगातार सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का आना यहाँ पर जारी है। तो मौलाना कल्बे जवाद साहब से मिलने, कल्बे सादिक साहब से, और जो हमारे अहम धर्मगुरुओं सबसे मुलाकात हुई है। और मैं फिर एक बार यहाँ की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिसाम साहब, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँ, चूँकि ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जो है ये दोनों गंगा जमनी में तहजीब का मरकज़ है, और आज ईद फितर का रोज़ है, आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम दें? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, बेचारे परेशान हाल हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके साथ ईद मनाने में क्या मज़ा आता है, इसके बारे में आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम? देखिए, अहम तो उन्हीं के साथ ईद मनाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब जो तबका होता है उसको खुश अगर किया गया तो और रसूल अल्लाह भी खुश होंगे और अल्लाह भी उसकी अजर देगा। तो हम लोगों की कोशिश ये होना चाहिए कि ईद गरीब तबके के साथ मनाएं, और हम लोगों के यहाँ फितरा इसीलिए रखा गया है कि हम लोग जो फितरा देते हैं उन उससे उनके घर में सेवैयाँ बन सके, उनके बच्चे कपड़े पहन सके। तो हमारे क्या तो पैगाम ही गरीबों के लिए दिया गया है, तो उनके साथ ईद मनाई जाए, हम लोग भी मनाएँ, सब मिलकर मनाएँ। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, दिलों में प्यार जगाने को